एक सवाल आ गया है जो अब तक किसी ने नहीं पूछा, शायद आपको पूछने के लिए मन में तो होगा लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा। महिलाओं से संबंधित यह सवाल है मेंसेस पीरियड का। दो सवाल आए हैं, एक तो यह है कि वाइट डिस्चार्ज बहुत हो तो क्या करें, तो इसके लिए आप ऐसा करिए, एक आयुर्वेद की दवा इस्तेमाल करिए, उसका नाम है शतावरी। शतावरी कहीं भी मिलती है आयुर्वेद की दुकान, शतावरी चूर्ण के रूप में ले लीजिए। इस शतावरी चूर्ण को दूध में मिला लीजिए और रात को जरूर पीजिए, दूध हल्का गर्म रहे, और शतावरी डाल के दूध उबाल भी सकते हैं, फटता नहीं। शतावरी जिनको भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या है शतावरी। और दूसरी कि जब भी मेंसेस पीरियड आता है बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, इचिंग बहुत होती है, तरह तरह की खुजलियां होती है शरीर में, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह, तो आपका जब भी मेंसेस पीरियड होता है तो आपके शरीर में वायु बहुत बढ़ी हुई है, पित्त भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। इसका बहुत आसान उपाय मैं बता देता हूं, भागवत जी का है, मेरा नहीं। वो ये कहते हैं कि मेंसेस पीरियड में सब कुछ ठीक रहे, समय से आए समय से जाए, ज्यादा रक्त ना निकले और कम भी ना हो, इस सब चीज ठीक रखे के लिए गरम गरम पानी में, जो इतना गरम हो जैसे चाय होती है, घी मिला के पिए। गरम गरम पानी में, खूब गरम पानी में, गाय का घी आपके घर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भैंस का भी चलेगा, एक चम्मच मिलाएं, आधा गिलास खूब गरम पानी खोलता हुआ घी मिला दें, थोड़ा पीने लायक हो जाए उतनी देर रखें, फिर इसको चुस्कियां ले लेकर पिए। अगर आपका मासिक पांच दिन चलता है, चार दिन चलता है, तीन दिन, दिन से मतलब नहीं, जितने दिन चलते उतने दिन, कितनी बार पी सकते हैं, दिन में दो या तीन बार पी सकते हैं, तो अगर आपने ये शुरू किया तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ। मेनोरेजिया है तो ठीक होगा, मेट्रोरेजिया तो ठीक होगा, सब सब ठीक हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप सब समझदार, हर चीज आपकी दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगी। डिस्चार्ज वाइट है तो शतावरी लेना है, और पानी में घी मिला के किसी भी दूसरी प्रॉब्लम के लिए मेंस पीरियड, ये घी पानी मेंसेस पीरियड में ही पिए, इसको ध्यान से सुने।